हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। मैं आपका दोस्त संदीप स्वामी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब क्यों, कब और कैसे बनाया गया। फ्रेंड्स, बात है 3 अक्टूबर 2003 की। ईबे नाम की एक कंपनी थी जिसको पेपल ने खरीद लिया था। ईबे के कर्मचारी बेरोजगार हो गए थे। उसमें से 3 खास दोस्त थे, स्टीव चेन, जावेद करीम, चार्ड हार्ले, जो कि नौकरी खोने के कारण इन तीनों के खुरापाती दिमाग चलाया और उन्होंने एक ट्यून इन करके एक वेबसाइट बनाई। ट्यून इन एक ऑनलाइन डेटिंग साइट थी जो कि ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई। फिर एक दिन जावेद करीम जस्टिन बीबर का एक वीडियो सॉन्ग देखने के लिए इच्छा की, तो उसने गूगल पर सर्च किया, पर वो वीडियो अमेरिका में बैन था क्योंकि उसके अंदर उसने जस्टिन ने अपने सहयोगी कलाकार के कपड़े निकाल दिए थे, तो वो उसको नहीं मिला। तो उसको बहुत ही मतलब दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे एक अपने ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। और उसी दौरान सुनामी भी आई थी, तो सुनामी के अंदर मतलब लोगों को देखना था कि किसी पूरी दुनिया में किसी ने सुनामी की उस टाइम वीडियो बनाई होगी, तो उनको वो भी वीडियो देखनी थी, पर उनको वो वीडियो नहीं मिल पाई। तो उन्होंने उस खुरापित दिमाग को मिला कर तीनों दोस्तों ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जिसके अंदर उन्होंने वीडियो डाल सके, स्ट्रीम कर सके, कोई भी कहीं से अपलोड कर सके, कोई कहीं से देख सके। और इस तरह का प्लेटफॉर्म बना के उन्होंने एक साइट तैयार की जिसे नाम दिया गया यूट्यूब। और ये यूट्यूब बनाने की जो है उसके यूट्यूब की मतलब स्थापना करने का डेट है 14 फरवरी 2005। 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब पूरे दुनिया के सामने प्रेजेंट कर दिया गया था। यूट्यूब दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला मतलब वीडियो स्ट्रीम करने वाला प्लेटफॉर्म है। आज यूट्यूब पर हर मिनट 500 घंटे से भी ज़्यादा लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं और पूरी दुनिया में यूट्यूब पर देखने का आंकड़ा जो है हर मिनट 200 करोड़ के पार हो चुका है। दोस्तों, ये थी यूट्यूब के बारे में एक छोटी सी जानकारी। कैसी लगी आपको कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ। और दोस्तों, यूट्यूब की जानकारी के साथ साथ में ये एक बहुत बड़ी मतलब एक मोटिवेशन है कि अपन पास कुछ भी नया होते हुए भी अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। जहाँ चाह है वहाँ राह है। जय हिंद, जय भारत।